सो क्लास आज शुरू करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4. सो लेक्चर नंबर 4 है आज. थोड़ा सा रिकैप एक पिछली क्लास का हो जाए. पिछली क्लास जब हम पढ़ रहे थे हमने कहाँ पे छोड़ा था, रिडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ रहे थे ना हम, तो वहां पर हमने इक्विवेलेंस की बातें की थी विद इन द रिडॉक्स टाइट्रेशंस. ये किया था रिडॉक्स रिएक्शंस में बातें की थी. फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए. अच्छा मुझे कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन खुद बताना. मैंने बहुत सारे रिएक्शंस लिखवाई थी रिडॉक्स में. देखो अगर मैं कहूं MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू क्या, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये? मुझे बताएंगे क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ देखो तरह MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, प्लस 7. यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7, ये हम निकालना सीख चुके हैं. अब देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7, प्लस 7 से कहां जा रहा है वो प्लस 2 में. तो मैंगनीज अगर प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन. एंड यहां पर आयरन प्लस 2 से जब प्लस 3 में जा रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जरा बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये इसका रिडक्शन कर रहा है मतलब ये इसका क्या है और ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास तक. तो हमने जब ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ी थी तो हमने इक्विवेलेंस बैलेंस करने सीखे थे विद इन द रिडॉक्स रिएक्शन, विद इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन हमने इक्विवेलेंस बैलेंस करने सीखे थे. क्या कहा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रही हूं ताकि मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आपको याद रहे, ठीक है. तो क्या है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये पढ़ा था. देन हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के. अब एक और फॉर्मूला लिखा था हमने इससे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होता है किसके, n इनटू n फैक्टर के, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. दिस इज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. देन हमने एक और फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम करके. मतलब यहाँ पे नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसके बराबर आएगा, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के, यही होगा बच्चा. नॉर्मैलिटी के प्लेस पे अगर आपको मोलारिटी दी हो तो क्या करते थे, क्या करते थे, भूल गए कि नॉर्मैलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये एक रिलेशन बनवाया था. तो अगर हमें मोलारिटी दी हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. क्या ये हमने पढ़ा था, इस दस जो हमने पढ़ लिया था इसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस लगते कैसे हैं. ये फॉर्मूले हमें पता है, रिवीजन हो गई फॉर्मूलेस की, कैसे थे फॉर्मूलेस, चले क्वेश्चंस पे. चलो देखो क्वेश्चंस को देखते हैं जरा, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. सबसे पहला तरीका किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, पहले उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली जाए, फिर देख लिया जाए दिया क्या है और निकालना क्या है. क्वेश्चन पढ़ो, कहता है टाइट्रेशन इज कैरिड आउट फॉर 3 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट. यहां पे लिख लेना फेरस एंड फेरिक, 3 moles of ferrous and ferric sulfate which require क्या 100 ml of 2 molar potassium per manganate in an acidic medium. क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है क्वेश्चन में, ferrous. हमें ये बात पता है ना ferrous क्या है ferric क्या है, आर वी क्लियर ऑन दिस. ferrous क्या होता है Fe2 plus, ferric क्या होता है Fe3 plus.
मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है जरा देखो, आपको दे रखा है फेरस एंड फेरिक सल्फेट, मतलब मैं लिखूं Fe(SO4) प्लस क्या Fe2(SO4) का होल थ्राइस ही दे रखा है। कितने मोल दे रखा है टोटल? 3 मोल। कितना दे रखा है? 3 मोल। मतलब इन दोनों के आपके सिस्टम में पूरे 3 मोल गिवन है, यही दे रखा है। अब इसने कहा इसको रिएक्ट किससे कराया? 100 ml ऑफ 2 मोलर पोटेशियम पर मैंगनेट से। किससे रिएक्ट कराया? 100 ml ऑफ 2 मोलर की MnO4, इसी से। क्वेश्चन में क्या निकालना है एंडिंग में? मोल फ्रैक्शन फेरस सल्फेट का। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं ये फेरस सल्फेट के x मोल है तो फेरिक कितना हो जाएगा? 3 - x, क्योंकि टोटल कितने? अगर फेरस सल्फेट x मान लिया मतलब ये कितने हैं आपके? 3 - x। क्या इस बात में कोई दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसने कहा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब KMnO4 में क्या होता बेटा? MnO4-, याद करो मैंने एक रिएक्शन लिखवाई थी, MnO4- एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है? Mn2+ में। पीछे पलटो पेज और देखो कि MnO4- एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में। बच्चे चेक, मतलब यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। ये +7 से किसमें जा रहा है? मतलब मैंगनीज का क्या हो रहा है? तो मतलब फेरस का क्या हो रहा होगा? आयरन का। अब आयरन किस किस में है? यहां पर आयरन आपका है +3 में और एक आयरन है आपका +2 में, है ना? कौन दिखा सकता ऑक्सीडेशन? 2 वाला ना, 3 वाला थोड़ी दिखाएगा। तो मतलब इस KMnO4 के साथ कौन रिएक्ट करेगा? फेरस सल्फेट Fe2SO4, सॉरी Fe(SO4)। क्लियर? Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक नहीं करेगा क्योंकि वो तो फादर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्या इतनी बात क्लियर है कि मिक्सचर में तो दोनों दिए और रिएक्ट कौन करेगा? सिर्फ फेरस सल्फेट। तो मतलब इस रिएक्शन को क्या करेंगे कि Fe2+ बदलेगा किसमें? Fe3+ में। यही होगा, कंबाइन करके लिख ले रिएक्शन। कंबाइन करके कैसे लिखते हो कि MnO4- प्लस Fe2+ क्या मिलता है? Fe3+ प्लस Mn2+। क्या यही होगी? यही होगी ना। अब देखो जरा यहां क्या दे रखे, मोलारिटी वॉल्यूम। मोलारिटी और वॉल्यूम है तो याद करो, अगर मैं इनके इक्विवेलेंट बराबर कर दूं किसके? MnO4- और Fe2+ के। मतलब मैं क्या कहूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। यही है। और इसके लिए एक फॉर्मूला पता है, n×n factor। मतलब मैं इसके n×n factor इसका किसके बराबर कर दूं? n×n factor ऑफ Fe2+। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने सीधा। अब जरा तुम यहां देखना, 100 ml का मीनिंग 0.1 लीटर। 100/1000 कर दूं, 0.1 लीटर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है? देखो जरा, हमारे पास कितना है? 100 ml 2 मोलर KMnO4, यही है ना। इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे KMnO4 के? निकालना आता मोल कॉन्सेप्ट। तो मोलारिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से तुम्हारा मोलारिटी कितनी? 2। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर में? 0.1। मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने आ गए? 0.2 मोल। कोई दिक्कत इतनी बात में किसी को? नहीं। और हमने अभी लिखी थी जो रिएक्शन, उस पे वापस एक बार लिख लेते हैं कि MnO4- प्लस Fe2+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn2+ प्लस Fe3+ में। यही बन रहा है ना।
तुम्हें एन फैक्टर देखना तो आता है? तुम्हें एन फैक्टर देखना आता है? भूल गए? देखो यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7 से किस में जा रहा है? एक मैंगनीज, इस मॉलिक्यूल में एक ही मैंगनीज है, वो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है देखना, 5। मतलब एन फैक्टर कितना पर मॉलिक्यूल, 5। इसमें क्या चेंज है बताना, 1 का। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 1। तो यहां पे एन फैक्टर कितना, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमने लिखा था n इंटू एन फैक्टर ऑफ MnO4- बराबर किसके था, n इंटू एन फैक्टर ऑफ Fe3+2+, यही था, यही लिखा था। अब देखो MnO4- के मोल कितने आए, 0.2। n फैक्टर कितना आया, 5। बराबर n फैक्टर कितना इसका, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं जो हमने x माने थे, कितना आया, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ कितना आ गया बच्चा, 1 मोल आ गया ना। यही तो मान के चले थे हम कि टोटल 3 मोल में से FeSO4 का x था, x कितना, 1। तो मतलब मैं लिख सकती हूं, यहां पर लिख दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 कितने हैं, 1 मोल। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस कितना हो गया, टोटल 3 थे ना, टोटल 3 थे, 3 में से 1 हटाओगे कितना रह गया, 2 मोल। तो इसके रह गए 2 मोल। क्या इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन ने पूछा था इसका मोल फ्रैक्शन FeSO4 का, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है बाय टोटल, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 बाय एन टोटल, यही होगा ना फॉर्मूला, 1/3। खत्म। क्या बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया? सिंपल एन फैक्टर का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो पीछे के बेसिक फॉर्मूले तो रिपीट किए हमने, मोलारिटी और वॉल्यूम से मोल्स निकाल लिए, और एन फैक्टर हमें निकालना आता था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, चेक, क्लियर हुई? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन कहता है कि KMnO4 रिएक्ट्स विद H2O2 इन एन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ KMnO4 इज, ये क्वेश्चन है, किया है, ऑलमोस्ट किया है। चलो जरा देखिए, करोगे ट्राई? अच्छा इक्वेशन बता दो, KMnO4 में MnO4- किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चा, H2O2 से, क्या बन रहा है, Mn2+, एसिडिक मीडियम है ना, तो MnO4- Mn2+ में जाता है, Mn2+ में जाता है, और H2O2 किस में जाता है, ऑक्सीजन गैस। इतना समझ आया? क्वेश्चन पढ़ो आगे, क्वेश्चन में क्या कहा उसने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ KMnO4 इज, कितने मोल है KMnO4 के, पर मोल मतलब 1 मोल, पर मोल का मीनिंग 1 मोल है, H2O2 के मोल्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर कर दो n इनटू n फैक्टर करके। तो यहां पे MnO4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7, यहां पर इसका +7, +7 से जा रहा है +2 में, मतलब ये हो रहा है रिडक्शन, और n फैक्टर कितना है, 5। क्लियर? यहां पर H2O2 में देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, परोक्साइड है ना, हाइड्रोजन परोक्साइड -1, यहां कितना, फ्री स्टेट 0। तो फ्री स्टेट में 0 मतलब ये चेंज हो रहा है H2O2 से O2, तो कितना इन फैक्टर है बताना, 2 है ना, 1 तो नहीं है, 2 ऑक्सीजन है ना,
पर मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन, पर एटम नहीं निकालते, पर मॉलिक्यूल निकालते एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना, 2। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो गई। अब देखो अगला क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ किसका, H2O2 किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ MnO4-, यही होगा। H2O2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर बराबर किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ MnO4-, क्या हो जाएगा आगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इसके, एन फैक्टर कितना है बच्चा, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, एन फैक्टर कितना है, 5 आ गया। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 5/2, मतलब 2.5। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, बहुत इजी है ना। यहां पे समाप्त होता है एन फैक्टर, ठीक है, समझ आ गया, गलत नहीं होगा आगे से एक भी क्वेश्चन एन फैक्टर का। ये मोल कॉन्सेप्ट से भी इजी है ना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, टॉपिक डालिए इंडिकेटर एंड एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का आइडिया दिया था मैंने लास्ट क्लास में, HCl और NaOH का टाइट्रेशन मैंने बताया था। देखो अगर मैं बात करूं आपकी एसिड बेस टाइट्रेशन की, किसकी, एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब एक एसिड होगा और एक बेस होगा टाइट्रेशन के लिए। तो जरा यहां देखना, मतलब सपोज कीजिए आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, बीकर में आपने ले लिया, यहां लेट सपोज बीकर में आपने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब मैं क्या कहूं, ऊपर आप ब्यूरेट कनेक्ट कर दीजिए, इस ब्यूरेट से डाल दीजिए इसमें क्या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो एक टाइट्रेशन है जिसमें एसिड को किससे रिएक्ट करा रहे हो। अब जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है, मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन जहां पे सॉल्ट और वाटर बन जाएंगे। तो वो कैसे पता लगाएगी, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, कैसे दिखेगा कि हमारा अपना एंड पॉइंट की यहां पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है, यहां पर ये टाइट्रेशन एंड पॉइंट आ गया है कि यहां पे कंप्लीटली सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है, कैसे पता लगाएं, इंडिकेटर डाल के। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चा, वो सब्सटेंस जो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन। बात समझ आई, इंडिकेटर हेल्प करता है एंड पॉइंट, कैसे हेल्प करता है, कलर चेंज करके। ये बात हमें पता है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में कलर चेंज कर लेता है, जिसकी हेल्प से मुझे पता लग जाता है कि मेरा एंड पॉइंट आ गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। क्या ये बात पता है। अब देखो एक नई चीज सीखते हैं इंडिकेटर के बारे में यहां, कि इंडिकेटर जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स और वीक बेसिस होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड्स और वीक बेसिस। एंड ये जो कलर चेंज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पीएच रेंज पे चेंज करते हैं। क्या आप मुझे कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर बता सकते हैं, बहुत कॉमन यूज में होने वाले, फेनोप्लीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, है ना। तो फेनोप्थलीन, जो फेनोप्थलीन है, क्या मुझे बता सकते हैं ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो मतलब ये होता है ऑर्गेनिक, खुद क्या होता है, ऑर्गेनिक वीक एसिड। क्या होता है बच्चा, एक ऑर्गेनिक वीक एसिड होता है फेनोप्थलीन। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक वीक एसिड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HPH से, चेक, मतलब ये H+ देगा ना डिसोसिएट होके। अब सेकेंड इंडिकेटर क्या है हमारा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MeOH से, मतलब ये क्या है, बेसिक।
तो ये कैसा है? ऑर्गेनिक वीक बेस, ये ऑर्गेनिक वीक बेस होता है आपका। मतलब हमने एक चीज समझ ली कि जो हमारे इंडिकेटर है वो वीक एसिड और वीक क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, मतलब ये डिसोसिएट होते हैं, ऑन डिसोसिएशन ये कलर देते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा कलर चेंज आ गया। ये कब कलर देंगे? जब ये डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशन में जाके। आज तक की बात पता थी कि क्या कैसे इंडिकेटर कलर दे रहा है? हम वो पता लगाएंगे कि इंडिकेटर जो है एसिड में तो कलर नहीं दे रहा था फिनोक्लीन, बट बेस में देता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा? वो अभी देखता है। कहती मत क्लियर है? चल देखो, हमारे पास कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं। जैसे देखो, हमें जो पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं मेनली मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। अब देखो, मिथाइल ऑरेंज खुद कैसा होता है? इटसेल्फ इज ऑरेंज इन कलर। एंड ये किस पीएच रेंज में वर्क कर रहा है? देखो, 3.2 से 4.5 में। मतलब ये जो पीएच रेंज है लेस देन 7 है। लेस देन 7 पीएच रेंज क्या होती है? एसिडिक। तो मतलब ये जो वर्क करता है वो एसिडिक पीएच रेंज में वर्क करता है। कहां पे? एसिडिक पीएच रेंज में। और क्या कलर दिखाता है? ऑरेंज से रेड। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं फिनोप्थलीन की, फिनोप्थलीन का कलर क्या होता है बच्चा? कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता इसका तो। और इस कौन सी पीएच रेंज में काम कर रहा है? 8.3 से 10.5। मतलब ये 8.3 से 10.5 की पीएच रेंज में काम कर रहा है। मतलब ये बेसिक पीएच रेंज में काम करता है। और मिथाइल ऑरेंज तो एसिडिक पीएच रेंज में काम कर रहा था, बट जो फिनोप्थलीन है हमारा वो किस पीएच रेंज में वर्क करता है? ये वर्क करता है बेसिक पीएच रेंज में। किस में? बेसिक पीएच रेंज में। और बेस में क्या कलर देता है फिनोप्थलीन? पिंक, कलरलेस टू। बात समझ आई? ये कहाँ काम कर रहा है? एसिडिक पीएच रेंज में। कलर चेंज इज ऑरेंज टू रेड, बट ये काम करता है बेसिक पीएच रेंज में। कलर चेंज इज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। क्लियर? हमें यही दो इंडिकेटर मेनली पढ़ने हैं। स्टार लगा के लिख लीजिए, हम इन दो इंडिकेटर्स को आज पढ़ेंगे। क्लियर इतनी बात? डन। चलिए, सो देखिए, शुरुआत करते हैं टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड NaOH। ये पढ़नी है। अब मुझे बताओ जरा, अगर मैं बात करूं HCl एंड NaOH की, मतलब क्या है ये? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। एंड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हमें जो टाइट्रेशन पढ़नी है यहाँ पे वो किसके बीच में पढ़नी है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में पढ़नी है, यही पढ़ना है हमें। तो देखो जरा, अभी जो हमने बनाया था ना डायग्राम, वो जरा दोबारा बना लो। यहां पर हमने क्या लिया? बीकर में HCl लिया, और ऊपर ब्यूरेट से हम क्या डाल रहे हैं? ब्यूरेट से हम इसमें फिल कर रहे हैं, ब्यूरेट से हमने इसमें फिल किया NaOH। ठीक है, और हमने इंडिकेटर कौन सा डाला? HPH, मतलब इंडिकेटर फिनोप्थलीन है। आप देखिए जरा, जब आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपने लिया 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, लेट सपोज, तो आप जब NaOH डालेंगे, डालते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मैं कह सकती हूँ कि HCl प्लस NaOH किस क्या बनाता है रिएक्शन से? NaCl और पानी। अब मुझे देखो यहां कि मैंने HCl के कितने मोल्स लिए? 50 ml 0.1 मोलर, यही लिया। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 5 मिलीमोल्स। क्या ये बात सबको समझ आई? 5 मिलीमोल्स कैसे आए? 15 to 0.1 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम।
कब आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, या आई कैन सी यहां पर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। क्या मैं ये बात कह सकती हूं कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तब मतलब न्यूट्रलाइजेशन पूरी हो जाएगी? कह सकती हूं कि जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हो जाएं किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के, वहां पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब जब ये बराबर हो जाएगा जिस पॉइंट पे, मतलब वहां पे मेरा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, कि दोनों के इक्विवेलेंस बराबर है। अगर दोनों के इक्विवेलेंस बराबर है मतलब वहां पर क्या आ गया आपका, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या आ गया, जहां पर क्या हो गए, दोनों के मोल्स, दोनों के सॉरी इक्विवेलेंस बराबर हो गए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे इसका, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब मेरी एक बात समझो यहां, जब ये दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हुए थे, जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया था, तो यहां पर मुझे बता पाओगे पीएच कितनी रही होगी, 7। NaCl बन गया होगा, तो मतलब यहां पर पीएच रही होगी कितनी बच्चा, 7। अब खुद दिमाग लगाओ और खुद सोच के बताओ कि जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट आया, क्या तुम्हें कोई कलर चेंज दिखाया फेनोप्सिलिन ने? वो तो न्यूट्रल है, 7 है मतलब न्यूट्रल बन चुका है। क्या फेनोप्सिलिन न्यूट्रल में कोई कलर देगा? तो क्या इक्विवेलेंस पॉइंट पे तुम्हारा इंडिकेटर कोई कलर चेंज शो करेगा? तो क्या तुम इस इक्विवेलेंस पॉइंट से टाइट्रेशन की वैल्यू पता लगा सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं लगा कैसे लगा। तो क्या करते हो, क्या किया जाता है, एक वन ड्रॉप एक्स्ट्रा किसकी डाल दी जाती है, बेस की। जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा बेस की आई, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। अब जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो फेनोप्सिलिन ने कैसा कलर दिया, पिंक। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, तो मेरी बात समझ आई, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों सेम। कोई बोले अगर एंड पॉइंट है ये टाइट्रेशन का, कोई बोले इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि एंड पॉइंट पे तो इंडिकेटर कलर चेंज दिखाता है, बट इक्विवेलेंस पॉइंट पे इंडिकेटर कलर चेंज। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ NaOH डालना पड़ेगा, इस एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ NaOH से हमें कलर चेंज मिल जाएगा इंडिकेटर का। तो उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। क्या बोलोगे, एंड पॉइंट। क्लियर हुई? तो ये एंड पॉइंट है क्या, एंड पॉइंट वो पॉइंट वेयर इंडिकेटर चेंजेस द कलर। क्लियर? क्या इंडिकेटर की कहानी समझ आई कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है किसी भी टाइट्रेशन का? ये कहानी क्लियर है? अगर तुमसे कोई भी पूछे कि फेनोप्सिलिन कहां कलर दिखाएगा, एंड पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे दिखाएगा, इक्विवेलेंस पे नहीं दिखाता, कर लोगे इतना? चलिए अब देखते हैं कि इंडिकेटर कलर तो दिखा रहा है, पर कलर दिखाता कैसे है? कलर तो हमने पढ़ लिया, एंड पॉइंट पे दिखेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर आता नहीं है। पर नाउ द क्वेश्चन अराइज, कलर आता क्यों है? है ना, साइंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, कि ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है? देयर शुड बी अ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड, जानने की इच्छा, कि अब कलर तो पता लग गया कहां आ रहा है, आता क्यों है? तो वो थ्योरी किसने दी, ऑस्टवाल्ड ने। तो ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है इंडिकेटर क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कहती है सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाते हैं बच्चे, डिसोसिएट हो जाते हैं। ये वर्ड पकड़ लेना कि इंडिकेटर क्या, हमने पढ़ा वीक एसिड और बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस होते हैं। अब जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। फॉर एग्जाम्पल जरा यहां देखना, अगर मैं बात करूं फेनोप्सिलिन की, यही है फेनोप्सिलिन, अगर सॉल्यूशन में जाएगी तो डिसोसिएट होगी H+ + pH- में।
मतलब इसने डिसोसिएट होके कलर दिया। कैसे? देखो फिनोप्सिन खुद क्या थी, बट ये पीएच माइनस होता है ना, इसका कलर होता है पिंक, समझ गए? इसीलिए कलर कैसा आ जाता तुम्हारा, क्योंकि डिसोसिएट हुई। जब तक ये इस एच पी एच के फॉर्म में है तो क्या ये कोई कलर देगी? जैसे ही ये पीएच माइनस के फॉर्म में पहुंच गई तो ये कलर दे देगी। अब क्वेश्चन उठता है, हमने पढ़ा है कि फिनोप्थलीन बेसिक मीडियम में तो कलर देती है, पर एसिडिक में कोई कलर, ऐसा क्यों? सोच के देखो कि अगर मैं बात करूं इन एसिडिक मीडियम, देखते हैं जरा क्या हुआ इसके साथ। देखो इंटरेस्टिंग है ना जानना, जो जो तुम्हें पता है ऑलरेडी उसी के बारे में जान रहे हो। वो तो तुम्हें पता था कि फिनोप्थलीन ऐसा करती है, थोड़ा और जानकारी ले रहे हो उसी के बारे में हम तो। देखो एसिडिक मीडियम फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे टूटेगा बताओ? H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा बच्चे। अब मुझे खुद सोच के बताना, HCl कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनोप्थलीन कैसा एसिड? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस दे रहा है तो क्या वो चाहेगा कोई वीक एसिड डिसोसिएट हो? खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो वो डोमिनेट कर जाएगा ना कि तू रहने दे, क्योंकि तो कहेगा तू रहने दे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, तुम पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में जाके। H प्लस सेम है तो मतलब ये पी एच प्लस इतना ज्यादा हो गया कि पीएच माइनस एच प्लस से कंबाइन करके वापस एच पी एच में पहुंच गया, समझ गए? एच प्लस इतना ज्यादा हो गया कॉमन आयन, एच प्लस बढ़ रहा है ना HCl के डिकम्पोजिशन से भी, तो एच प्लस इतना ज्यादा हो गया तो वापस पीएच माइनस से कंबाइन करके कहां पहुंच गई? बैकवर्ड रिएक्शन, एच पी एच बन रहा है, मतलब वो कलरलेस सॉल्यूशन ही है। तो मतलब यहां पर क्या ये कलर देगी? पर अगर तुम बेसिक मीडियम की बातें करोगे, किसकी बातें करोगे बच्चा? बेसिक मीडियम की। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaOH, Na प्लस और OH माइनस, ऐसा ये OH माइनस के H प्लस से कंबाइन नहीं करेगा? करेगा, वाटर बनाता जाएगा, तो यहां पे H प्लस की कमी होगी तो वो O टूटेगा, O टूट के H प्लस और pH माइनस बनेगा और आपका और कलर आएगा सॉल्यूशन में। तो ये समझे रीजन कि फिनोप्थलीन जो आज तक हमने पढ़ा था कि वो एसिडिक मीडियम में तो कलर नहीं देता, बेसिक में तो देता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये क्लियर हुई बात? तो क्या मुझे ये बता पाओगे कि फिनोप्थलीन को कहां यूज करना चाहिए? बेसिक मीडियम में ना, तभी तुमने देखा था फिनोप्थलीन की पीएच 8.3 से 10.5 तक थी, वो बेसिक पीएच रेंज में वर्क करता है। बात क्लियर हुई? तो मतलब हमारा जो फिनोप्थलीन है, हम एक चीज समझ आ गई कि फिनोप्थलीन जो होता है वो किस पीएच रेंज में वर्क करता है? उसका जो पीएच रेंज था कितना था? 8.3 से 10.5 तक का था। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अगर इतना समझ आ गया तो मिथाइल ऑरेंज का भी खुद सोच के देखना जरा। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बेटा? MeOH। क्या ये बेसिक में कलर देगा? ऑरेंज येलो ही तो रहता है ना? 20 OH माइनस, वहां पे भी OH माइनस टूट के आएगा। क्या ये रिएक्शन होनी चाहिएगी, फॉरवर्ड में जाना चाहेगी? मतलब इसकी पीएच रेंज तुमने जब लिखी तो क्या लिखी थी? अभी 3.2 एसिडिक लिखी थी ना, इसीलिए ये कहां प्रेफर किया जाता है और ये कहां प्रेफर किया जाता है, समझ गए? पीएच का रीजन समझ आया कि क्यों प्रेफर हो रहा है, क्यों, कहां ये कलर दे रहा है, कहां नहीं दे रहा है? ये किसने बताया हमें? ऑस्टवाल्ड ने बताया कि ये आयनाइज होता है, ये टूटता है सॉल्यूशन में जाके,
इसीलिए इसके टूटने से जो आयंस बनते हैं उसी का कलर है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो थी आपकी ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। अगला, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर्स कलर देते हैं, ये बात पता है। एक हमें पढ़ना है कि अगर हमें टाइट्रेशन कर्व दी जाए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वो टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाएंगे आप? बनानी तो आएगी। सो देखो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, कोई एग्जांपल बताओगे? HCl and NaOH, तो HCl and NaOH, HCl and NaOH ले ले। अब देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि आपका यहां पर बीकर में HCl जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 50 ml.1 molar HCl है। चेक, हम सीखेंगे इसको बनाना विद द डाटा, हम एक एक डाटा निकालेंगे उससे सीख जाएंगे कर्व बनानी, हम सीधा रटेंगे नहीं उसको। देखो, अगर मैंने कहा यहाँ पे 50 ml.1 molar और यहाँ पे कहा मैंने, नींद आ रही है, यहाँ पे मैंने कहा NaOH, चेक। अब देखो, यहाँ पे HCl डाला, रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से पता है इसकी क्या होती है, HCl plus NaOH give rise to NaCl और पानी, ये होती है रिएक्शन। अब देखो यहां पे कितने मिलीमोल्स हो गए HCl के, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो यहां से इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आए, 50 × 0.1 मतलब 5 मिलीमोल, इतना। अगर मैं कहूं आपसे, देखिए केस वन, लेट सपोज केस वन में मैं कहूं आपके पास इनिशियल कितने मोल्स है, 5 मिलीमोल्स, किसके, HCl के। मैं कहूं NaOH डाला ही नहीं अभी तक, मतलब यहां पे वॉल्यूम ऑफ NaOH पोर कितना है, 0, मैंने डाला ही नहीं, मतलब ये 0 ml है, ऐसा है। तो सिर्फ सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ HCl पड़ा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 molar, तो मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितनी है बच्चा, 0.1 molar, यही है। मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1 ही ना, क्योंकि डिसोसिएट कैसे होगा, H+ और Cl- में, जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन वही Cl- का कॉन्सेंट्रेशन और वही HCl का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं कहूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बराबर कितना, 0.1 molar। चेक, अब तुम मुझे जरा pH का फॉर्मूला भी बता दो, देखो सीखो थोड़ा, pH होती है माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, क्या होती है, माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अब यहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1, मतलब मैं इसको लिख दूं 1/10, चेक। तो यहां से बेटा इसके pH कितनी निकल जाएगी, माइनस log ऑफ 1/10, log वैल्यूज आती है थोड़ी बहुत, देखो माइनस बाहर, log a by b क्या होता है, ये होता है log a माइनस log, याद रखोगे, देखो log 1/10 क्या, log 1 माइनस log 10 हो जाएगा, log 1 कितना होता है, 0, log 10 कितना होता है, log 10 कितना होता है, log 1 कितना होता है, तो मतलब यहां पर माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया आंसर, 1। तो मतलब जब सिर्फ HCl है तो कितनी pH है अभी, 1, तो ये लिख लेना, तुमसे ही डाटा पूछूंगी एंडिंग में मैं, तो इस पे pH कितनी है, 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि सेकंड बनाने के लिए
कि अगर मैंने अब NaOH कितना डाल दिया, 10 ml, पहले तो जीरो था, मैंने 10 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जब हमने डाला 10 ml तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने थे इनिशियल, 5 mmol, और हमने कितना डाला 10 ml ऑफ 0.1 molar NaOH, क्या डाला 10 ml ऑफ 0.1 molar NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी कितने हो गए बता दो, 0.1 × 10, 1 mmol, क्या ये करना आता है, आता है ना, तो मतलब इसके मोल्स हो गए 1 mmol। रिएक्शन भी स्टोशो लगानी आती है हमें, तो देखो HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर। इनिशियल मोल कितने थे बच्चा, जब तक रिएक्शन नहीं हुई HCl के 5 है, इसके 1 है ना, आफ्टर द रिएक्शन कितने हो गए, कौन लिमिटिंग है NaOH, तो मतलब ये पूरा खत्म, ये बच गए 4, एक रिएक्ट कर गया, ये बन गया 1, ये बन गया 1, कोई दिक्कत। अब यहां पे V टोटल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 ml HCl था, 10 ml NaOH डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया 60, मतलब 50 + 10 = 60 ml, यही हुआ, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखो अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स HCl के कितने आ गए, 4, टोटल वॉल्यूम कितना 60, तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालूं तो वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने 4, वॉल्यूम कितना 60, ये भी तो मिलीमोल्स है और ये भी तो मिलीलीटर है, तो 4/60 1/15 लिख दूं, तो मतलब ये हो गया 1/15 molar। अब इसकी क्या पीएच निकल सकती है, माइनस लॉग ऑफ H+, तो यहां पे जब इसकी पीएच निकालोगे तो क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ H+ कितना आ गया, माइनस लॉग ऑफ 1/15, यही हो गया। इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इसकी आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.18 आ रही है, 1.18, ठीक है, से वैल्यूज तुम्हें याद नहीं करनी, तुम्हें सीधा ग्राफ याद करना है, वो मैं सिखाऊंगी कैसे होगा, बस तुम्हें एक आइडिया देना है कि कैसे बन क्या रहा है, तुम्हें सीधा लिखवा दूं ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ये बात समझ आई, अगला अभी पीएच बढ़ गई ना 1 से 1.18, आगे मैं कहूं कि अगर आपका 20 ml डाला तो 20 ml 0.1 molar का मीनिंग क्या है, 2 mmol, मतलब ये 2 mmol। अब मुझे खुद रिएक्शन करके बताना कि रिएक्शन में अब कौन लिमिटिंग होगा, करो, लिमिटिंग HCl हो जाएगा, HCl तो 5 है, ये 2 है, यही तो रहा 3। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 70, तो मतलब अब पीएच क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन पहले H+ निकालोगे वो क्या आ गई 3/70, पीएच क्या आ गई माइनस लॉग ऑफ H+, मतलब माइनस लॉग ऑफ 3/70, ये सॉल्व हो जाएगा, ये इससे भी ज्यादा आएगी 1.3 something। अब अगर मैं सीधा 50 डाल दूं तो 50 ml वो था, 50 ml ये है, और दोनों 0.1 molar, न्यूट्रल नहीं हो गया, पीएच कहां पहुंच गई 7 पे। अगर मैं कहूं सीधा तुमने 50 डाला मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी 5 mmol, और उसके भी कितने HCl के 5, मतलब दोनों के मिलीमोल्स
बराबर। तो पीएच कितनी होगी बच्चा, 7 न्यूट्रल हो गई ना। मतलब इनिशियल थी 1, जब वॉल्यूम था कितना, वॉल्यूम था 0, तो इनिशियल 1 थी, फिर 1.18, फिर 1.3 बढ़ी, फिर एकदम कितनी हो गई 7, जैसे 50 पे गए, बढ़ रही है पीएच। अब अगर मैं 50 से ज्यादा डाल दूंगी तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, अभी तो सोल्यूशन एसिडिक है। अगर मैंने 50 से ज्यादा डाला तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो देखो अगर मैंने 60 डाला तो क्या हुआ इस सोल्यूशन का, 60 डाला तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, 6 मिलीमोल, 6 मिलीमोल ऐसा। HCl के कितने थे, 5, HCl के थे 5, इनिशियल HCl के कितने थे, और हमारे पास NaOH के कितने हैं। अब देखो अब इसमें से लिमिटिंग कौन, ये लिमिटिंग, ये खत्म, ये बच गया, तो अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन बची आपके पास, OH माइनस की, 1 बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 60 इसका, 50 उसका, 110, 1 बाय 110 ऐसा। तो अब क्या निकलेगी हमारी POH, ये निकलेगी ना, pH निकाली थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से, तो POH कैसे निकालेगी, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ 1 बाय 110 क्या आएगा, ये अप्रोक्स होता है 2.2 के, अप्रोक्स अप्रोक्स, ठीक है। और हमें एक चीज पता है कि pH प्लस POH बराबर किसके, 14, तभी तो तुम्हारा पूरा pH स्केल 14 तक होता है। तो अगर POH 2.2 आया तो pH कितनी आएगी, 11.8 समथिंग इतनी आएगी, तो pH कितनी निकल गई, pH कितनी आ गई, 11.8। देखो जरा क्या बताने की कोशिश है, शुरू हुए थे 1 से, फिर आए 1.18, 1.3, धीरे धीरे बड़े बड़े बड़े, फिर कहाँ गए, 50 पे, 7 पे, फिर जैसे ही 50 से आगे बढ़े 60 पे राइज मार गया 7 से। तो मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो क्या प्लॉट कर सकती हूँ, तो मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो देखना, मैं इस पे यहां पे 0 लूं, यहां पर 10 ml है हमने जो डाला, फिर हमने 20 डाला, फिर हमने 30 डाला, 40, 50, 60 ऐसे ही तो डाल रहे हैं। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, यही डाला तुमने ml में, और इस वाली स्केल पे क्या बनी तुम्हारी pH, जो कैसे रहा इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रेंज पे, मतलब यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे 8। लेट सपोज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस ग्राफ को, तो यहां पे 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तुम खुद देखो इस ग्राफ में हो क्या रहा था, 0 पे थे तो पीएच रेंज कितनी थी, जब हमने कुछ नहीं डाला 1, तो मतलब यहां से शुरू हुआ ग्राफ, यहां से शुरू होते होते बढ़ता 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा, 50 पे कहां पहुंच गया, जब 50 आया इस 7 पे, मतलब 50 पे पीएच रेंज अप्रोक्स यहां पे पहुंच गई है, तो ग्राफ एकदम से राइज किया ऊपर, तो आपका जैसे ही 50 आया तो ग्राफ कुछ यहां पहुंच गया, जैसे ही 60 आया तो ग्राफ ऊपर पहुंच गया 11 के प्रॉक्स, तो जैसे ही 60 आया फिर धीरे धीरे यहां से ग्राफ राइज करना शुरू किया और एकदम हाई राइज कर गया। तो आपका जो ये ग्राफ है इसको एग्जैक्टली अगर हम बनाएं, तुम कैसे बना सकते हैं, देखो
थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं, कुछ ऐसा बना दूं, है ना, कि यहां पे सेवन। अब देखो जब न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन कहां पर हुआ था, इस 50 पे न्यूट्रल हुआ था, न्यूट्रल हुआ था ना, याद करो 50 पे क्या हुआ होगा, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हुए होंगे, न्यूट्रल होने का मीनिंग क्या, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हुए होंगे, मतलब यही क्या है तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट है टाइट्रेशन का, बात समझ आई। ये पॉइंट कैसा इक्विवेलेंस पॉइंट, उसके वॉल्यूम क्या है उसके विद रिस्पेक्ट 50 ml, समझ आ गई, कितना वॉल्यूम चाहिए 0.1 मोलर 50 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 0.1 मोलर NaOH का कितना चाहिए, 50 ml चाहिए। अरे M1V1 M2V2 से निकालोगे तो बराबर आएगा, समझ आया, तो उससे आगे करोगे तो pH बढ़ जाएगी, तो ये ग्राफ किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब जरा एक चीज और देखना इसमें, ये जो ग्राफ राइज किया कुछ यहां से राइज कर रहा है इसी रेंज में, 3 से लेके 11 की रेंज में तो दे रहा है ये चेंज, तो मतलब इसका जो पीएच है वो अप्रोक्स 3 to 11 में है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ड्रास्टिक चेंज। और कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हो इसके लिए, इस टाइट्रेशन को करने के लिए क्या तुम फिनोप्लिन यूज कर सकते हो, फिनोप्लिन की पीएच रेंज क्या थी, 8.3 से 10.5, क्या इसी पीएच रेंज में लाई किया, तो मतलब यूज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज क्या है, 3.2 to 4.5, क्या इसी रेंज में लाई किया, हाँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये आए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है और आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ऑप्शन हो मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्लीन, बोथ ऑफ दीज, तो क्या लगाओगे, मतलब इस टाइट्रेशन के लिए आप फेनोप्लीन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हो, क्या ये बात समझ आई, इज दिस पॉइंट क्लियर। पर अगर तुम मुझे खुद बताना, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक, तो इंडिकेटर क्या यूज करना चाहोगे, मिथाइल ऑरेंज, क्या यूज करोगे। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये बात समझ गए, पूछा जाए इस कॉम्बिनेशन में इंडिकेटर ये, इस कॉम्बिनेशन के लिए ये, इस कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि यहां पर कैसा बेसिक, और फिनोप्लिन कहां यूज हो रहा था, एसिडिक में तो नहीं यूज कर रहे टोटल में, और यहां पे कैसा है एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मीन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक तो हमारा इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं कहूं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सॉल्यूशन टोटली कैसा बेसिक, और हमने पढ़ा था बेसिक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या ये तीनों कॉम्बिनेशन क्लियर है, तीनों कॉम्बिनेशन की, इन तीनों कॉम्बिनेशन की टाइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, क्लियर। एक तो बात हो गई ये कि हम कोई एक इंडिकेटर की स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में लोगे तो आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो आप क्या यूज करोगे, फिनोप्लीन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लोगे तो यूज करोगे क्या, मिथाइल ऑरेंज। पर क्या कोई ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें दोनों यूज होते हो साथ साथ, इसमें तो एक एक यूज किया ना, या तो एक यूज या फिनोप्लीन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे तो मैंने कहा या तो फिनोप्लीन यूज करो पूरी टाइट्रेशन में, या मैं कह रही हूं कोई ऐसी टाइट्रेशन जिसमें फिनोप्लीन भी यूज हो और मिथाइल ऑरेंज भी यूज हो, ऐसी टाइट्रेशंस को बोलते हैं डबल टाइट्रेशंस, क्या बोलते हैं डबल टाइट्रेशंस, क्या बोला मैंने, ऐसी टाइट्रेशन जिसमें पहले यूज हो रहा है क्या फिनोप्लीन, फिर यूज हो रहा है क्या मिथाइल ऑरेंज, मतलब टर्न वाइज आ रही है ना, दोनों की टर्न आ रही है,
पहले का फिनोप्लीन, फिर का मिथाइल ऑरेंज, मतलब दोनों इंडिकेटर स्टेप वाइज यूज हो रहे हैं। तो ऐसी टाइट्रेशन जिसमें हमारे दोनों इंडिकेटर यूज हो जाए, तो उस तरह की टाइट्रेशन को क्या बोलोगे? डबल टाइट्रेशन। बात समझ आई? मतलब डबल टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती हैं, दीज आर द टाइट्रेशन वेयर बोथ HPH मतलब फिनोप्लीन एंड मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? MEOH आर यूज्ड टर्न बाय टर्न। तो ऐसी टाइट्रेशन को क्या बोलोगे? डबल टाइट्रेशन बोलोगे। समझ गए? ऐसी टाइट्रेशन को डबल टाइट्रेशन बोलते हैं। तो किस मिक्सचर में इस डबल टाइट्रेशन का यूज हो रहा होगा? क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहा? तो देखिए जरा, अगर मैं इस डबल टाइट्रेशन की बात करूं तो आपको जो मिक्सचर लेना है वो किसका लेना है बच्चा? Na2CO3 प्लस NaHCO3 और किससे टाइट्रेट कर देना है? HCl के साथ। किससे? HCl के साथ। देखो यहां, देखो पहले समझ आ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं कहूं Na2CO3 और NaHCO3 किससे टाइट्रेट कर रहे हो? HCl के साथ। तो जब पहले Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में मुझे तुम बताओगे? बता दो। मैंने तो एक ही मोल लिया HCl का, मैं ये बता रही हूं तुम्हें। क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा प्लस NaHCO3, ये तो बनेगा। एक ही मोल तो है, एक Cl माइनस एक Na प्लस से कंबाइन कर गया, NaCl निकल गया और Na के प्लेस पे क्या आ गया? हाइड्रोजन, मतलब NaHCO3 प्लस NaCl। क्या बात क्लियर हुई? मतलब यहां पर प्रोडक्ट बना क्या? NaHCO3 प्लस, क्या इतनी बात समझ आई? पहला स्टेप क्या? ये मतलब इस पहले स्टेप पे आपका आएगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या आएगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। और ये जो टाइट्रेशन जाएगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? फिनोप्थलीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पहला एंड पॉइंट कहां आया? जब हमने क्या डाला? फिनोप्थलीन डाला था। फिनोप्थलीन ने कलर चेंज कर दिया, मतलब हमें पहला एंड पॉइंट मिल गया। अब क्या बन गया? NaCO3। NaCO3 तो खुद भी तो था सॉल्यूशन में, बना भी और था भी, मतलब जब ये NaCO3 किससे कंबाइन करेगा? HCl से। NaCO3 किससे कंबाइन कर जाएगा? HCl से। तो क्या बन जाएगी बताओ? NaCl प्लस H2CO3, ये तो बनेगा NaCl प्लस H2CO3। H2 और CO2 में निकाल लो इसको, ठीक। ये मैं कहूं कि NaHCO3 बना है इस रिएक्शन से, मतलब NaCO3 से बना है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन। क्या एक और स्टेप हो रहा होगा? ये तो यहां से बन के रिएक्ट कर गया, ये खुद भी तो डाला था तुमने मिक्सचर में, वो भी तो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, करेगा ना? ये तुमने डाला, ये इस मिक्सचर में बना, इस रिएक्शन के अंदर बन गया, तो दोनों इंडिविजुअली रिएक्ट करेंगे। ये फॉर्म्ड वाला था, और मैं कहूं कि आपका NaHCO3 प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस पानी। और ये NaSCO3 कहां से आया? फ्रॉम मिक्सचर। इससे क्या मिलेगा आपका? सेकेंड एंड पॉइंट। क्या मिलेगा? पहले से फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिला था, यहां सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा।
तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सेकेंड इक्विवेलेंस वाइन, और ये किसकी प्रेजेंस में मिलेगा, अब मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो देखो जरा, क्या इस टाइट्रेशन में आपने दोनों इंडिकेटर यूज किए स्टेप वाइज? पहले कौन सा इंडिकेटर यूज किया, फेनोप्लीन, फिर क्या यूज किया, पहला स्टेप क्या हुआ, किसके पास क्या हुआ, Na2CO3 बना है। जब HCl डालोगे सिर्फ एक मोल तो पहले क्या बनेगा, ये NaCO3, फिर जो ये बना हुआ NaCO3 है ये HCl से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3 प्लस, आपने सॉल्यूशन में भी तो डाला था, मिक्सचर में भी तो ऐड किया था, वो भी तो रिएक्ट करेगा। तो एक एंड पॉइंट यहां आया, एक इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा यहां आया, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट यहां आया। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूं आपको इक्विवेलेंस कंपेयर करनी है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो किसके कंपेयर करोगे, इक्विवेलेंस ऑफ HCl एंड इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3, क्या टोटल कंज्यूम हो गया आधा ना, तो मतलब हाफ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंस ऑफ HCl। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या हुआ, ये क्या है, आधा बचा हुआ ना, जो NaCO3 प्रोड्यूस्ड है मतलब ये इसका आधा बचा हुआ है, पूरा थोड़ी कंज्यूम हो गया पहले स्टेप में, वो आधा बच गया, तो ये क्या है, हाफ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 प्लस क्या, ये NaCO3 का इक्विवेलेंस किसके बराबर, HCl के। तो दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर कर सकते हो, दोबारा बताऊं, लिखते हैं अभी रुको। मैंने कहा पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में Na2CO3 कंबाइन कर रहा था HCl से, क्या पूरा कंज्यूम हुआ, आधा कंज्यूम हुआ ना, इसको तो दो मोल HCl की रिक्वायरमेंट थी, हमने तो इसे एक ही दिया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 बाय 2। ये क्या है, इसी से तो बना, बचा हुआ है ना ये आधा, इसका आधा इस फॉर्म में बच गया, आधा कंज्यूम होकर NaCl बना गया, तो जो ये आधा बचा क्या मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 प्लस ये किसका इक्विवेलेंस, NaCO3 किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl। मतलब दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट पे मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर कर सकती हूँ, क्या ये बात क्लियर हुई? तो मतलब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ बताना, हाफ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ किसके, Na2CO3 किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl क्या ये बराबर हुए, ठीक है। और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ, क्या हुआ है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे बताओ, Na2CO3 के आधे बचे हुए, मतलब हाफ ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 प्लस किसके, NaCO3 के, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl के, क्या ये हो सकता है, इसका यूज कहां होगा, क्वेश्चन अगर देगा HCl की इक्विवेलेंस फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए तो हमें Na2CO3 के इक्विवेलेंस पता लग जाएंगे, और अगर इसने ये भी दिए Na2CO3 के तो हम क्या सेकेंड के लिए निकाल देंगे HCl के, निकल सकता है ना, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रीवियस ईयर में आया, मैं आपको प्रीवियस ईयर दूंगी ना क्वेश्चंस करने को, तो वहां पे देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये,
पूछा है कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बस न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता, वो सिर्फ ये पूछता है कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेकेंड पे क्या हो रहा है। तो क्या याद रहेगा, समझ आया? तो चलिए, नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सुना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने सारी पढ़ ली ना, अभी हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ ली। अब इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, देखो जरा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये भी एक तरह की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी क्या है बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पर किसके लिए यूज होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए, किसके लिए, H2O2, H2O2 के लिए यूज होती है ये स्पेशली। अगर मैं कहूं कि एक बीकर में, मैं कहूं एक बीकर में अगर मैं कहूं आपके पास वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, क्या कहूं, अगर एक बीकर में आपके पास वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, इसने क्या कहा, देखो इसने कहा एक्स वॉल्यूम अगर है, इसका मीनिंग क्या कि उसके वन लीटर में, इसके वन लीटर में कितने मोल्स है, कितने एक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब अगर कहा जाए कि सपोज करो इसको एक्स ही मान लो, कि इसके एक्स वॉल्यूम H2O2 है, इसका मीनिंग क्या कि इसके वन लीटर ऑफ H2O2 में, इसमें कितने लीटर्स है ऑक्सीजन के, एक्स लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, कितने लीटर, देखो एक्स वॉल्यूम ना, मतलब किसके बराबर, एक्स लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं तुमसे कहूं एक्स की जगह तुम्हारे पास 20 लीटर है, क्या है 20 लीटर, तो तुम मुझे क्या बताओगे, अगर मैं कहूं कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 तुम्हारे पास है, इसका मीनिंग क्या होगा बताना, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मीनिंग क्या होगा बताओ, 1 लीटर में कितने लीटर ऑफ O2 है, 20 ना, एक्स वॉल्यूम का मीनिंग क्या, 1 लीटर में O2, तो 20 में कितने, 20 मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 में कितनी ऑक्सीजन, 20 लीटर्स। यही तो बोला, देखो डेफिनेशन पढ़ो, इसने कहा When a solution of H2O2 is labeled as X volume, यही तो है X volume, इसका meaning क्या, It means that one volume का meaning क्या है, तो 1 ml ले लो या 1 liter ले लो, हमने अभी liter में लिया है, कि 1 liter of H2O2 इससे क्या निकलेगी, X volume of oxygen, मतलब X liter of oxygen at STP, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहूं कि 1 x वॉल्यूम है, मतलब 1 लीटर में x लीटर, मैं कहूं 20 वॉल्यूम है, 1 लीटर में कितनी, 20 लीटर, निकाल लोगे, ये बात समझ आई। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वॉल्यूम स्ट्रीम निकलती कैसे है, कोई फॉर्मूला होगा जिससे मैं डायरेक्ट लगाऊं और आंसर ले आऊं, वो तो जरूरी है, बिना फॉर्मूले के तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम कोई भी कॉन्सेप्ट। तो देखो जरा कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं तो फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बनेंगे क्या, देखो जरा H2O plus O2 यही होती है रिएक्शन, इससे सब सबको आती है ये। अगर मैं कहूं H2O2 m मोलर एंड 1 लीटर है, तो मोल्स कितने हो गए, m मोल्स हो गए, मतलब मेरे पास यहां पे m मोल्स ऑफ H2O2 है ना, क्या इतनी बात समझ आती है, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, m मोलर मतलब m इज मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए। अब 2 मोल ऑफ H2O2 से कितने मोल ऑक्सीजन मिलती है, जरा सा मोल कॉन्सेप्ट पे वापस रिवाइज हो जाते हैं,
टू मोल ऑफ एच टू ओ टू से मिलती है वन, तो एम से कितनी मिलेगी, एम बाई टू, मतलब यहां मिलेगी एम बाई टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब मुझे बताओ अगर मोल्स दिए हैं तो वॉल्यूम कैसे निकलता है एसटीपी पे, मोल्स दिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एम बाई टू इंटू 22.4 लीटर, है ना, वॉल्यूम निकल जाएगा, यही इसकी क्या होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब कितना आया सॉल्व करोगे तो 11.2 m, मतलब ये आ गया 11.2 m, क्या इतनी बात समझ आई। अगर तुमसे पूछा जाए वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की और आपको दिया जाए 5 मोलर सॉल्यूशन, तो m की वैल्यू क्या रखनी है, 5, 5 × 11.2, मिल गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर्मूला, क्या 11.2 मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी, क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कब, क्या जब सॉल्यूशन कितना हो 1 मोल 1 लीटर, ठीक है। अब अगर नॉर्मैलिटी दी हो तो मोलारिटी को नॉर्मैलिटी में बदलोगे, तो नॉर्मैलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या होता है बताना, नॉर्मैलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, क्या यही होता है, तो एन फैक्टर की जरूरत आई। H2O2 में क्या होता है, H2O2 में चेंज हो रहा है, यहां पर -1 से 0, एन फैक्टर बता दो अब तुम, अरे दो ऑक्सीजन है ना, तो यहां पे नॉर्मैलिटी क्या हो गई मोलारिटी इंटू 2, तो मोलारिटी क्या हो गई नॉर्मैलिटी अपॉन 2 हो गई, तो क्या इसको रख सकते हैं यहां पे, तो तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या निकल कर आया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या निकल कर आया 11.2 इंटू एन बाई टू, तो आंसर कितना आया 5.6 n, यही आया। तुमने देखा होगा किताबों में वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिखा होता है इक्वल टू 5.6 n, ये ऐसे निकल के आता है किताबों में, सीधा लिखते हैं ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो बड़ा बड़ा यहां लिख लेना, एक ऐसे बॉक्स बनाना तुम याद रखने के लिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर पूछे H2O2 का तो क्या लिखोगे, या तो फॉर्मूला लगाओगे 11.2 इंटू एम या 5.6 इंटू एन, ये दो फॉर्मूले लगाओगे और आंसर ले आओगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, समझ गए, सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, या तो 11.2 इंटू एम या 5.6 इंटू एन, तो आपका क्या निकल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगी, क्या इतनी बात समझ आए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं, क्लियर। जरा एक क्वेश्चन कराऊं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, फॉर्मूला क्लियर है, देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज, नॉर्मैलिटी दे रखी है, अभी एक फॉर्मूला लगाया था 5.6 नॉर्मल, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है H2O2 के क्या होता है 5.6 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है, क्या सीधा वैल्यू रख के आंसर नहीं आ सकता, अगर फॉर्मूला बताओ दो, तो मतलब ये क्या हो गया 5.6 इंटू 1. आंसर हुआ, देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, एक वैल्यू रखनी और मल्टीप्लाई करना है, आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है बच्चों को, मुश्किल लगता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना, क्या समझ आया, फॉर्मूला याद रखना है, अगर तुम्हें ना मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट में फॉर्मूले भी याद हो गए ना, बड़ा हो जाएगा पेपर, तुम याद तो करो थोड़ा सा समझो, तो
अगला देखो। अच्छा हमने परसेंटेज पढ़ा था, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इसमें निकाल रहे थे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। हमने कहा कि अगर मैं परसेंटेज की बात कर रही थी, परसेंटेज m बाय m, वो क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे करते थे बताना, इनटू चेक। अगर मुझे पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 हटा के मिलियन कितना होता है, 10 to the power। अब सोचो 10 to the power 6, 10 to the power 6 पार्ट्स मैंने सॉल्यूशन के लिए इतने ही, उसमें थोड़ा सा मैं ढूंढना चाहती हूँ कि सॉल्यूट कितना, मतलब वो थोड़ा सा अमाउंट प्रेजेंट होगा तभी मुझे इतना ज्यादा सॉल्यूशन का अमाउंट लेना पड़ा। अगर वो अच्छा खासा प्रेजेंट होता तो मैं परसेंटेज की हेल्प से ही ना निकाल देती उसकी कॉन्सेंट्रेशन। सोच के देखो मुझे कोई ऐसी चीज निकालनी है जो बहुत कम प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो अगर मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया तो मिलेगी ही नहीं, थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश की थी थोड़ी सी तो मिल जाए, तो अगर बहुत ज्यादा लिया तो थोड़ी सी डिटेक्टेबल होगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। तो जहां पर सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है तो मतलब उसका ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम परसेंटेज वाली टर्म्स यूज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट। तो ऐसे केस में अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है तो मैं क्या डिटरमाइन करूंगी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या डिटरमाइन करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, कि कितना सॉल्यूट का पार्ट 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। तो पीपीएम को कैसे लिखोगे, देखो PPM किसमें है, मतलब कितना सॉल्यूट का पार्ट 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे करेंगे बताना, सॉल्यूशन से ही, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 10 to the power, बात समझ गए, 100 ना करके हमें करना है 6, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ppm में उसकी कॉन्सेंट्रेशन। सेम ही बात है, बट ये उसके लिए निकालते हैं जिसका सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, मतलब उसके लिए हमें 100 ग्राम में लिया तो मुझे अप्रोक्स सही मिल जाएगा सॉल्यूट, 1 ग्राम 2 ग्राम मिल जाएगा, दैट्स इजीली डिटेक्टेबल। बट अगर मैं कहूं 100 ग्राम में माइक्रोग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है, इजीली डिटेक्टेबल है ही नहीं, तो मुझे उसका ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ना, ताकि मैं सॉल्यूट को डिटेक्ट तो कर पाऊं एटलीस्ट। तो वहां पर मैंने इसका क्या लिया, 1 मिलियन पार्ट्स ले लिए सॉल्यूशन के, ताकि उसमें थोड़ा तो सॉल्यूट मिले। तो ऐसे जहां पर सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट होता है, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन को किसमें निकालते हैं, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। अब खुद सोच के बताओ कि ऐसे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकाली, अगर मैं पार्ट्स पर बिलियन की बात करूं तो 8 या 9, समझ गए, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, चेक, तो पार्ट्स पर बिलियन निकल जाएगा आपका, क्लियर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, पार्ट्स पर बिलियन लिख लो ना, पार्ट्स पर बिलियन लिख लोगे 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्डनेस।
दिस इज द लास्ट टॉपिक. थोड़ा बहुत हार्डनेस से अवेयर हो? क्या होती है हार्डनेस? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की अगर कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? वाटर हार्ड हो जाता है. तो क्या ऐसा वाटर सॉप के साथ लेदर फॉर्मेशन करेगा? क्या वहां पर हम कपड़ों को वॉश करने के लिए सॉप का यूज करना चाहेंगे? नॉट प्रेफरेबल. तो मतलब ऐसे सॉल्यूशन को हार्ड वाटर बोलते हैं जहां पर क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. क्या ऐसा वाटर लेदर फॉर्मेशन करता है सॉप के साथ? नहीं. तो मैं लिख सकती हूं, डज नॉट फॉर्म लेदर विद द सॉप. चेक. एंड सॉप इज नॉट इफेक्टिव फॉर वॉशिंग इन द हार्ड वाटर, ये हमें पता है. अब मुझे एक बात बताओ कि हार्ड वाटर की हार्डनेस जो होती है वो कितने तरीके की होती है? सोचो, दो तरीके की, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी. मतलब हार्डनेस हो गई हमारी दो तरीके की, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी क्या, परमानेंट हार्डनेस. जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसकी वजह से आती है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से आती है क्या टेम्परेरी हार्डनेस? इसको रिमूव कर सकते हो क्या? कैसे? अरे बॉइल तो करेंगे, तो हाउ बॉइलिंग इज इफेक्टिव इन दिस? देखो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है. क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है. ये तो पानी में डिजोल्व हो गया तो पानी हार्ड हो गया. कहते हैं ना पानी को उबाल के पीना चाहिए, फिल्ट्रेशन. आजकल तो वो भी आ गए ना फिल्टर्स, जिसमें पानी गर्म भी होता है, ये प्रोसेस होती है. तो यहां पर अब हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है. क्या ये सॉल्युबल होता है पानी में? नहीं. प्लस क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही बनेगा. अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉलिड फॉर्म में रह गया, ये गैस फॉर्म में निकल गया, ये पानी रह गया तुम्हारा. ये तो सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर इनसॉल्युबल है तो पानी को फिल्टर कर लो तो ये वाटर मिल जाएगा. अगर मैं कहूं तुम्हारा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी तो हीट करोगे तो प्रोडक्ट बताना. हर किसी में कार्बोनेट बना दो. मतलब एक में बना दो, दूसरे में भी बनाओगे. याद रहेगा? याद रहेगा? हर किसी में कार्बोनेट नहीं बनते, ठीक है. एक तो ये होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा क्या होता है परमानेंट हार्डनेस. किसकी वजह से होती है? क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से, क्लोराइड्स एंड सल्फेट की वजह से. जैसे देखो, कैल्शियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट, इनको बॉइलिंग से नहीं हटा सकते. तो प्रोसेस यूज होती है क्लार्क मेथड. ये थोड़ा बड़े होके और पढ़ोगे, ठीक है. अब एक चीज देखो, याद कैसे रखें इसे? क्या एक ट्रिक याद कर सकते हैं? बीएससी बी फॉर बाइकार्बोनेट, एस फॉर सल्फेट, सी फॉर बी से क्या होती है टेम्परेरी, इनसे क्या होती है? तो मतलब ये है आपका बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है सल्फेट, और सी फॉर क्लोराइड, इनसे क्या होती है, इन दोनों से क्या होती है परमानेंट
हार्डनेस, एंड इससे क्या होती है? टेम्परेरी. चेक. सो यहां फिनिश होता है आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का चैप्टर. चेक है, समझ आया? प्रैक्टिस शीट सबको मिल जाएंगी, मिल चुकी है. इसके आपको पीवाई क्यूज में भेज दूंगी, पीवाई क्यूज में निशान लगाएंगे. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉक टेस्ट डिस्कशन. ये हमने कहा था मॉक टेस्ट डिस्कशन, तो एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन का कैसा था. चलिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन का कि वो कैसा था आपका. चल, पेपर था, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ. केमिस्ट्री पार्ट का एक रिव्यू ले लेते हैं कि कैसा केमिस्ट्री पार्ट आया था, कैसे कैसे आपको उस पेपर को अप्रोच करना था, कैसे कैसे उस पेपर में क्वेश्चंस थे. तो अगर आपको पता होगा उस पेपर का तो मोस्टली क्वेश्चंस कैसे थे? क्वांटम नंबर से आए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आए थे, या आपके क्वेश्चंस कहां से आए थे? पॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे. यही था सारा उसी से पूछूं? रुक जाओ. अच्छा, क्वेश्चन पेपर है सबके पास. चलिए क्वेश्चन पेपर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन पेपर का. चलिए, क्वेश्चन पेपर क्या था आपका? पहला जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 33, वो था कि टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड एक्स वाई टू एंड एक्स टू वाई थ्री. यही क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 33 में एक्स प्लस वाई कंबाइन हो रहे थे, क्या बन रहा था? एक्स वाई टू एंड एक्स टू वाई थ्री. ठीक है, यही क्वेश्चन था. इसका था 0.05 मोल. एक क्विक रिव्यू बता रही हूं कैसे कैसे क्वेश्चन करने थे, फटाफट देखो. इसके 0.05 मोल थे जिसका वेट था 5 ग्राम, है ना? तो हम इसकी हेल्प से क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए हुए हैं, तो मास निकाल दो इसका. तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास. तो इसका मोलर मास आ जाएगा निकल के, मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 5 बाय 0.05. तो यहां से जब निकालोगे तो 100 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू. ठीक है, अरे 5 बाय 0.05, 100 आ गया. अगला, आगे दे रखा था कि इसके केस में मुझे मॉलिक्यूल्स दे रखे थे कितने, 3.011 × 10³ मॉलिक्यूल्स. इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे n बाय n करके, मतलब 1/2 मोल्स आ गए. इसके भी मास दे रखा था 85 ग्राम, तो इसका मास कितना दे रखा था? 85 ग्राम. इसका मोलर मास आ गया, इसका मोलर मास भी आ जाएगा कितना? 85 × 2 = 170. इसका मोलर मास आ गया 170. तो दो इक्वेशन ही तो बननी थी इसमें आगे, मतलब एक्स वाई टू, मतलब एक्स को मान लो एक्स के मोलर मास को मान लो एक्स, वाई को मान लो वाई. तो मतलब एक्स प्लस टू वाई बराबर 100. और अगले वाले का क्या? एक्स टू वाई थ्री, मतलब 2x + 3y बराबर कितना? 170. आगे नहीं आता क्वेश्चन x और y का वैल्यू. बहुत इजी क्वेश्चन था, कराया भी था मैंने. समझ आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कहता है कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी जिसमें था 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए जिसका एटॉमिक मास था 12.5. इसका मीनिंग क्या है? 25 ग्राम ऑफ ए.
एटॉमिक मास कितना है? यहाँ देखो 12.5, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे कि बच्चा 2, मास पे मोलर मास, मास कितना 25 बाय 12.5 कितने आ गए, चेक। आगे बोला था 75% ऑफ बी, मतलब इसने बोला था 75% ऑफ बी, मतलब मास कितना है बी का 75 ग्राम। इसी का इसने क्वेश्चन में मोलर मास दिया था 37.5, तो इसने इसका मोलर मास दिया था कितना 37.5, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बी कितने आ गए 2 आ गए। अरे 75 बाय 37.5 तो मतलब ए रेशो बी कितना 2:2, क्या आ गया आंसर ए बी, चेक। अगला क्वेश्चन तो सोच हो गए, बहुत इजी सा क्वेश्चन कराऊं, H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl, आंसर 1 मोल निकलना था। क्वेश्चन है देखो, देखो यहां H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl, ठीक है। H2 के कितने लीटर्स है 22.4, बात है नहीं, H2 के 22.4, इसके 11.2, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने आते वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 आ गए, इसके 1 बाय 2 आ गए, बाय 22.4 करके वॉल्यूम बाय 22.4, तो लिमिटिंग कौन है क्लोरीन, 1 से 2 बनते हैं तो 1 बाय 2 से हो गया आंसर, समझ गए, बहुत इजी सा है ना, कुछ भी नहीं करना था इसमें तो। अगला क्वेश्चन देखो, मोलारिटी ऑफ H2SO4, ये निकला क्वेश्चन सबका, मोलारिटी ऑफ H2 क्वेश्चन पढ़ाओ, मोलारिटी ऑफ H2SO4 वाला किया जिसमें डेंसिटी दे रखी थी 1.8 ग्राम पर ml, ये तो फॉर्मूले से कर लो या सीधा कर लो, देखो 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 यहाँ देखो, बात ही नहीं, 18 मोलर है, मतलब क्या 18 मोल्स इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml, यही होगा, और इसने सोल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है देखो 1.8 ग्राम पर ml, तो अगर डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, तो क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम से और मास नहीं आ जाएगा यहां से, तो मास किसके बराबर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब 1.8 इनटू 1000, 1800, बहुत इजी सी बात है। आगे दे रखा है हमें मोल्स पता है H2SO4 के, मोलर मास पता है, सॉल्यूट के मोल्स निकाल दो, सॉल्यूट ही तो H2SO4, जिसके मोल्स पता है मोलर मास पता है, तो यहां पे मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया सॉल्यूट का, मोल्स कितने हैं 18 इंटू 98 कितना आ गया बताना, अप्रोक्स 1764 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन का मास है, यहां सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का निकलेगा, सॉल्वेंट का मास आ गया, मोलालिटी में क्या ही चाहिए, मोल्स और सॉल्वेंट का मास ही तो चाहिए, हो गया क्वेश्चन, चेक कर लोगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हुआ, हां जी अगला क्वेश्चन, तुम तो करके आई हो, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन दे रखा है किसका सॉल्यूट का, नहीं हुआ नहीं। देखो क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज 0.8, कितना है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है,
तो सॉल्यूट का कितना हो गया? सॉल्यूट का हो गया कितना? 0.2। तुम्हें फॉर्मूला लगाना था सीधा इस क्वेश्चन में, तो एक्स बी बाई एक्स ए इंटू एम ए इंटू 1000 बराबर क्या? मोलालिटी। यही तो फॉर्मूला होता है, लिखवाया था फॉर्मूला सीधा, फॉर्मूला लिखवाया था सीधा, वैल्यू पुट करने तो आंसर लाना था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हुआ। अच्छा, कौन से पेज को डिस्कस करूं? देखो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पीसीज दे रखी है इसने CO। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, ऑक्सीजन का कितना? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 + 8 = 14। ठीक है, एनओ माइनस में एनओ प्लस में कितने हैं? नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 7 + 8 - 1 = 14। ठीक है, नेक्स्ट है CN माइनस, कितना आएगा? 6 + 1 + 7, कितना आ गया? 14। और एक C2 माइनस है शायद, तो ये 12 + 2। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 43 क्वेश्चन कहता है क्रोमियम है, उसका 19th इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स बताने हैं। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, 24। इसका आंसर है बी, बता रही हूँ बेटा, बताती हूँ। देखो क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गोन 3D5 4S1। चेक। अब तुम्हें क्वेश्चन में आ रहा है कि 19th इलेक्ट्रॉन, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 19वां इलेक्ट्रॉन 4S में फिल करते हो, ऐसा क्यों? तुम्हें पता होगा कि एक 4S और एक 3D है, N प्लस L की वैल्यू देखते हो, तो यहां पर अगर आप N प्लस L देखोगे तो यहां पर N प्लस L का वैल्यू कितना है? 4। यहां पर N प्लस L कितना है? 5 है ना, तो पहले ही 4S फिल करोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन 4S में है, तो आपका 19th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां है? 4S। 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो मतलब इसके लिए इनका वैल्यू कितना है? 4। S के लिए azimuthal क्वांटम नंबर कितना होता है? 0। अगर L 0 है तो ML का वैल्यू रेंज करता है -L2 + L तक, मतलब 0। MS हो सकती है +1/2 और -1/2। ये था आंसर। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, एक +1/2 स्पिन से, दूसरा -1/2। 2s2 में भी सेम, 2p6 में 3 +1/2 से, 3 -1/2 से, फिर लास्ट 3s1 में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो प्लस से भी जा सकता है क्योंकि सिंगल पड़ा है ना वो। समझ गए? तो ये आपका ओवरऑल पेपर था, आई होप पेपर अच्छा हुआ हो आपका। बता,
बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ। अच्छा बताती हूँ। अच्छा ये 1.71 ग्राम ऑफ केन शुगर, देख लेते हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन है 1.71 ग्राम ऑफ केन शुगर C12H22O11, तो मोलर मास कितना होता है? 342, ये होता है, रुक जाओ, ये हो गया, मोल्स आ गए। अब इसने क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे आएंगे? C12H22O11 है ना, तो मोल्स में 12 Na मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू 12 इनटू Na, Na का वैल्यू तुम्हें आता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.66 इनटू 10 to the power 22, तो ये आया था तुम्हारा आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे क्वेश्चंस बच्चा। अच्छा ये बताती हूँ, देखो क्वेश्चन था ये स्टेटमेंट वाला, लास्ट क्वेश्चन 45 कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज 12+1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, 45th क्वेश्चन है ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, बात है नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 2 × 12+1, चेक, तो ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट में बोल रहा था PZ dx² - y² and dz² आर नॉन एक्सियल, तो देखो p एंड d इनकी जो सारी ऑर्बिटल्स होती है, p की ऑर्बिटल होती है px py and pz, d की ऑर्बिटल होती है आपकी dxy dyz dx² - y² and dz², ये सारी आपकी ना डायरेक्शनल होती है, ओनली s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है, तो ये बात गलत बोल रहा था। आगे बोला इसने s ऑर्बिटल का तो डायरेक्शनल है, वो तो नॉन डायरेक्शनल है, तो ये भी गलत। अब लास्ट ऑप्शन में बोला कि नाइट्रोजन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × s+1, एस क्या है, स्पिन, एस क्या है, बता रही हूं, देखो ये 1s2 ये 2s2 ये 2p3, चेक, यहां पे स्पिन कैंसल, +1/2 - 1/2 जीरो, सेम जीरो, यहां पे कितनी +1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 +3/2, तो तुम्हारा s का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 3/2, तो क्या ये ms ना निकाल दोगे तुम, 2 × 3/2 कितना आया, 4 आंसर आ गया। बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन बोलो कि एक बार, अच्छा ये रहा क्वेश्चन 60 का आंसर, है और सी -3.4 एंड -1.51, अरे -13.6 z² / n² रखना, n को 2 पुट कर दो, n को 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे, हो गया। हाँ नाइट्रोजन की बेटा या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकते हो या इसको अपोजिट स्पिन से रख दो, तभी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगी। ऑक्सीजन वाला, अरे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एचसीपी, 1 मोल में ऑक्सीजन गैस मतलब मॉलिक्यूल, एनए मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन O2 का कितना मोलर मास होता है, 32, हो गया आंसर। 57 का आंसर है बेटा, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3D5 4S1, ये सही है, और ML का वैल्यू -L to +L रेंज करता है, ये भी सही है, नेगेटिव होता है। अब जब तुम सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, सिल्वर कॉपर के नीचे आती है,
सिल्वर होती है, सिल्वर में 47 में तुम देखोगे 46 तक तो भरोगे, तुम्हारा भरा जाएगा 40 10, फिर 5s1 भरोगे तो वो 5s1 वाला इलेक्ट्रॉन अलग स्पिन से जाएगा, मतलब 23 की एक स्पिन 24 की अलग स्पिन। तो ये भी सही था, हाँ हो सकता है। बट नाइट्रोजन में कह रहा था HN3 में, तो नाइट्रोजन क्या है, 3x+1=0, x की वैल्यू कितनी, -1/3, ये गलत था। चेक, सो दिस वाज ऑल योर पेपर डिस्कशन, आई होप पेपर अच्छा गया, सो थैंक यू सो मच।